हेलो व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी इजी में, जहां आपको मिलता है जिंदगी जीने के आसान तरीके। फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम और जब सर्दी जाती रहती है और गर्मी आने वाली होती है, उसके जो बीच का जो मौसम होता है, इस समय हमारी त्वचा काफ़ी हद तक रूखी हो जाती है। और इस वक्त जो हमारी त्वचा को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है मॉइस्चर का होना, नमी का होना। और इसे हम कैसे बरकरार रखें, कैसे मेंटेन रखें, खाने पीने में क्या कुछ सुधार करें, घरेलू नुस्खों से कैसे अपने त्वचा को बिल्कुल मॉइस्चराइज रखें, ये जो मॉइस्चर की प्रॉब्लम होती है वो ठंड में तो होती ही है, साथ में ठंड के बाद भी कुछ लोगों की त्वचा जो होती है वो ड्राई हो जाती है या फिर कुछ ज़्यादा ही ऑयली हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जो मॉइस्चर का जो बैलेंस होता है वो नहीं हो पाता चेहरे पे। और अगर मॉइस्चर का बैलेंस रहता है तो हमारी त्वचा जो है जवां दिखती है, खूबसूरत दिखती है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इसे मेंटेन रखें। इन सारी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, बताने वाली हूं, तो देखते रहिए जिंदगी इजी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे एक बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, तो इससे ये होगा कि आप तक मेरी वीडियो आसानी से पहुंच पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरली मॉइस्चर अगर हमें चाहिए तो वो कैसे मिल पाएगा। प्राकृतिक नमी की अगर हम बात करें तो उसके लिए मक्खन, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, दूध, शहद और दही का प्रयोग कर सकते हैं। एक तरफ जहां मक्खन और दूध हमारी त्वचा को एक्सफोलिएट करता है, वहीं दूसरी तरफ दही त्वचा को हाइड्रेट कर खुजली और रूखेपन से बचाती है। शहद बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी होते हैं। यह त्वचा को नरम और मुलायम रखता है। और दोस्तों, शहद का एक और फायदा है, ये आपके स्किन से डार्क स्पॉट्स भी हटाता है। यह दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, थोड़ा चिपचिपा जरूर होता है, पर आप जब फेस वॉश करती हैं उसके जस्ट बाद अगर आप शहद को अप्लाई करते हैं अपने स्किन पे, उसके 5 मिनट के बाद आप उसे धो लें, ये एक फेस पैक की तरह काम करेगा, मास्क की तरह काम करेगा और आपके चेहरे को जो है सारी गंदगी हटाएगा और प्लस जो डार्क स्पॉट है, डेड स्किन सेल्स है, उसे भी रिमूव करेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है, घरेलू नुस्खा है, बहुत ही आसान है, इसे आप ज़रूर अपनाएं। और इससे क्या होगा कि दिन भर आपका जो मॉइस्चर है वो बैलेंस रहेगा। ठंड में ही नहीं, इस उपाय को आप गर्मी में भी करें, क्योंकि ये अगर आप गर्मी में करते हैं तो आपकी स्किन जो होती है बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट नज़र आएगी। एक बार ज़रूर करें। घर पर हम स्क्रब कैसे बना सकते हैं? केले को 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच ओट्स मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पैक को चेहरे पर लगाकर सूखने दें। इसे वर्गाकार में स्क्रब करें। जी हाँ फ्रेंड्स, केले और ओट्स से स्क्रब बना लें और उसे अपने चेहरे पर जो है मसाज करें, अच्छे से उसको साफ़ करें, जैसे आप कॉस्मेटिक जो है वो स्क्रब लगाते हैं वैसे ही इस स्क्रब को यूज़ करें। बिल्कुल फ़ायदा उससे भी अच्छा रिजल्ट देगा आपको, आप एक बार ट्राई करें। ऐसे भी आप जानते हैं केले में जो है बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गुण होते हैं, जो कि चेहरे के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा जो उपाय है ये टोनिंग के लिए, जो कि हम फेस वॉश करने के टाइम से अपना सकते हैं, वो जो नुस्खा है वो है कि 2 चम्मच शुगर लें और इसमें 4-5 बूंद जो है ऑलिव ऑयल मिला दें। इसे त्वचा पर जो है स्क्रब करें, इससे जो है आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी और पोषण मिलेगा काफ़ी। जैसे आप जानते भी हैं कि ऑलिव ऑयल जो है वो चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, चेहरा चमक उठता है इससे। और जो एक और उपाय है वो है 2 चम्मच कोको पाउडर में 2 चम्मच चीनी मिलाएं। इसमें कुछ बूंदे बादाम के तेल की और नींबू के तेल की भी मिला लें। अगर नींबू का तेल ना हो तो नींबू भी निचोड़ सकते हैं। इसका पेस्ट बनाकर पूरे चेहरे और हाथों पर लगाएं, पैक को सूखने दें और उसके बाद स्क्रब करें।
जी हाँ फ्रेंड्स, इस वाले पैक में क्या करें, इसे थोड़ा ड्राई होने दें, उसके बाद स्क्रब करेंगे तो इससे क्या होगा, जितने भी डेड स्किन है वो आसानी से निकल पाएंगे, रिमूव हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से 3 जो चीज़ें हैं, घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू सामान है, उनका उपयोग नहीं करना चाहती हैं तो आप आसान जो नुस्खा है वो अपना सकती हैं। मक्खन लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो मैंने शहद बताई वो लगा सकते हो, दूध से स्किन को साफ़ कर सकते हैं, फिर दही जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आप। अगर थोड़ा एडवांस में जाना चाहते हैं तो जो 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन वाली मैंने आपको स्क्रब बताए हैं वो भी आप कर सकते हैं, ये आप डेली कर सकते हैं, इससे आपके डेड स्किन रिमूव हो जाएंगे। अपने चेहरे को मुलायम बनाने के लिए एक कह सकते हैं मॉइस्चराइज़र की तरह पूरे दिन भर, अगर आप रात में सोते वक्त लगाना चाहें तो दिन भर तो नहीं कह सकती बट इसे हाँ सोते वक्त आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं ये जो नुस्खा है उसे, जैसे कि 2 चम्मच ग्लिसरीन में 2 चम्मच गुलाब जल मिलाकर चेहरे हाथों पर और गर्दन पर लगाएं, 10 मिनट मलें और आधा घंटा छोड़ दें, उसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अभी दिन में अप्लाई करना चाहती हैं मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर रखना चाहते हैं, दिन भर मॉइस्चर रहे आपके स्किन पे, तो ये वाला नुस्खा अपनाएं और उसे गुनगुने पानी से धो लें। अगर आप रात में इसे लगाना चाहते हैं तो आप इसे लगाकर छोड़ भी सकते हैं रात भर, तो इससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो है पानी पीना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें, जितना हो सके पानी पिएं। अक्सर क्या होता है कि गर्मी में तो हमें अपने आप प्यास लगती है बट सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है तो हम पानी पीना भूल जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो सर्दियों में जो आपकी ड्राइनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस मौसम में खासकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना जो है वो उसको मेंटेन करें, अपनी रूटीन को पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा। खान पान का खासा ध्यान रखना होता है यहाँ पर, क्योंकि अगर खाने में हम तली भुनी चीज़ों की तो मैं बात नहीं करूँगी बट थोड़ा सा बटर और ऑलिव ऑयल वगैरह अगर हम दूध मक्खन यूज़ करते हैं अपने खाने में थोड़ी मात्रा में सर्दियों के मौसम में तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है इस टाइम पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ आदतें बताने वाली हूँ, कुछ अच्छी आदतें जिन्हें अपनाकर आप जो है स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, चेहरे को स्वस्थ रख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाएं, स्नान नहीं करें, इससे जो है सूखापन ज़्यादा हो जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है। स्वस्थ खाना बहुत ज़रूरी होता है तो अपने आहार में हमेशा फल को और शामिल करें, जिसे फाइबर और हरी सब्जियों को भी शामिल करें, इससे आपको प्रचुर मात्रा में फाइबर मिलता है, आपका पेट साफ़ रहता है और चेहरा, जब पेट साफ़ है तो फिर चेहरे को क्या उसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी है, वो अपने आप क्लियर हो जाता है। नेचुरल मॉइस्चराइज़र का जो है प्रयोग दिन में 2 से 3 बार करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, ये भी मैंने आपको बताया है, आपका इससे जो शरीर रहता है वो हाइड्रेट रहता है, और ठंडी हवाओं से बचाव करें और क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडी हवा पड़ेगी तो उससे रूखापन जल्दी होगा, और जिसमें अल्कोहल होता है, जिस भी कॉस्मेटिक में अल्कोहल होता है उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। चेहरे पर साबुन तो लगाएं ही ना, और साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाएं, चाहे तो माइल्ड फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक फेस वॉश आते हैं मार्केट में वो आप लगा सकते हैं, उसके बाद क्योंकि देखिए आजकल की मैं आपको कहती कि नहीं, जो मैंने आपको नुस्खे बताए हैं वही आप सिर्फ अपना सकते हैं और आपका चेहरा जो है बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है, बहुत ही खूबसूरत रह सकता है, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि आप पहले फ़ेस वॉश करें, कोई भी आयुर्वेदिक फ़ेस वॉश मेडिकल शॉप से ले लें, चाहे वो हिमालय का ले लें या फिर कह सकते हैं लोटस का ले लें, कोई भी आयुर्वेदिक या पतंजलि का ले लें सबसे अच्छा है, तो ये कोई भी एक फ़ेस वॉश जो आपको अच्छा लगे, माइल्ड होना चाहिए, आयुर्वेदिक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, वो ले लें, उसको लगा लें, एक एक पहले उसको लगाएं, आफ्टर दैट
जो भी मैंने आपको बताया वो अप्लाई करें, चाहे वो स्क्रब हो, चाहे वो नॉर्मल दही हो, मक्खन हो या शहद हो, वो उसके बाद ही अप्लाई करें। और बाकी जो मॉइस्चराइज़र मैंने बताई वो उसके बाद लगाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी है, धूल मिट्टी पोल्यूशन है, कि ये घरेलू नुस्खों से हमारा चेहरा जो है साफ़ नहीं होने वाला है। तो जब तक हम अपने चेहरे पर फेस वॉश नहीं लगाएंगे तब तक चेहरा अच्छे से क्लीन नहीं होगा। तो अगर आप ये नहीं करते हैं और घरेलू नुस्खों से अपना चेहरा साफ़ करते हैं तो देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि चेहरे पर गंदगी जो है ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। हाँ, अगर फेस वॉश करने के बाद आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो चार चांद लग जाता है फ्रेंड्स। जी हाँ, तो ये काम ज़रूर करें आप। फेस को वॉश करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, इसमें साबुन बिल्कुल भी ना छुएं। साबुन लगाना बहुत गलत हो जाता है, साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें जो है वो केमिकल होता है, सोडा होता है, हार्श होता है, स्किन आपकी ख़राब हो सकती है। फेस वॉश ज़रूर यूज़ करें, वो भी ध्यान रखें माइल्ड होना चाहिए और आयुर्वेदिक होना चाहिए। आप चाहें तो नहाने से पहले ऑलिव ऑयल लगाकर या फिर थोड़ा सा सरसों तेल गर्म करके उसे भी लगा सकते हैं। नारियल तेल नहाने से पहले भी लगा लेंगे ना तो काफ़ी जो है फ़ायदा होगा, मॉइस्चर जो है बना रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही टिप्स आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले कि क्या कुछ वो कर सकते हैं घरेलू नुस्खों के थ्रू, कैसे मॉइस्चराइज़र बना सकते हैं, मॉइस्चर रख सकते हैं स्किन में, बैलेंस रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।